हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो ऑपरेशंस बाय इंडिया, जो रिसेंटली 2024 में ऑपरेशंस किए गए हैं और 2023 में ऑपरेशंस किए गए हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन इंद्रावती, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया है। एंड इसमें बेसिकली जो इंडियंस वॉयलेंस से हिट करेबियन कंट्री हेती में फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करके उनके नेबरिंग कंट्री डोमिनिका रिपब्लिक में इनको शिफ्ट किया गया था, इसीलिए इंडिया ने ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया था। ठीक है, आपको पता होना, मतलब आपको इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है किसने कंडक्ट किया था, कहाँ से कंडक्ट किया गया था, उसका मोटिव क्या था। तो इंद्रावती ने को किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू ट्रांसफ़र इंडियन स्टैंडर्ड इन द वायलेंस हिट करेबियन कंट्री हेती। अब आपको ये हेती का ना लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपसे ये वाली चीज़ पूछ ली जाए कि हेती कहाँ लोकेट करती है या करेबियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है ऑपरेशन कामधेनु, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट कराया गया था टू स्टॉप एनिमल स्मगलिंग एंड ऑल्सो टारगेट द मास्टर माइंड्स। हम देख रहे हैं काफ़ी सारी स्मगलिंग्स करी जाती हैं ऑफ एनिमल्स, इलीगली करी जाती है खासकर, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना हमारे पास जो इंडिया का बॉर्डर है वो काफ़ी लाइक चैलेंजिंग बॉर्डर आप कह सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, दैट इज़ एनिमल की स्मगलिंग को काउंटर करने के लिए कामधेनु ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था बाय जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ऑपरेशन दोस्त। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। एंड बेसिकली जो लास्ट ईयर सीरिया एंड तुर्केई में अर्थक्वेक आया था, उसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, जो कि इसराइल ने स्टार्ट किया था अगेंस्ट हमास। हम अभी काफ़ी न्यूज़ में देख रहे थे कि हमास एंड इसराइल का वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसी लिए इसराइल ने अगेंस्ट हमास आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन स्टार्ट किया था। तो उसी के ही काउंटर में जो हमास है उसने इसराइल के अगेंस्ट कौन सा एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो वो था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ओके, तो ये जो है दो चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन दिव्यास्त्र, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था। वो कौन सी मिसाइल थी, तो ये अग्नि फाइव, जिसको किसने बनाया है, तो ये DRDO ने बनाया है। DRDO की इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सी है आप मुझे बताइएगा, ये 1 जनवरी को इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये आप मेरे को बताना कि कौन से ईयर में हुई थी। ठीक है, इस जो आप कह सकते हैं इस ऑपरेशन को या फिर इस प्रोजेक्ट को किसने लीड किया था, तो ये एक वेमेन साइंटिस्ट जिनका नाम है शीना रानी। अग्नि फाइव की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया की फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड ये आल्सो इंडिया की ओनली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि जैसे ये हमारी मिसाइल है, अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल है तो जैसे इसको हमने लॉन्च कर दिया, ये यहाँ जाएगी एंड ये यहाँ पे जाके ना ब्लास्ट हो जाएगी। इसका जो वॉरहेड्स है वो डिफरेंट एरिया में जाके क्या कह रहे हैं हिट करेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल का ये फ़ायदा होता है कि ये जो है ये कैजुअलिटी ज़्यादा करती है, क्योंकि ये देखिए काफ़ी जगह पे गिरेगी तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो इसको जैसे हमने लॉन्च किया तो ये अपने टारगेट को जाके हिट करेगी। तो
जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो लॉन्च एंड फॉरगेट के बेसिस पे स्टार्ट करती है, मतलब वर्क करती है कि आपने लॉन्च कर दिया फिर आप भूल जाइए कि ये किस कहाँ जाके हिट करने वाली है। टारगेट बेस्ड अगर अटैक करना है तो हम क्रूज मिसाइल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन अग्नि 5 जो है वो हमारे ओनली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग 1.5 टन ऑफ वेपन, इतना टन वो कैरी कर सकती है। एंड ये 24 टाइम्स है किसके, स्पीड ऑफ साउंड की। मैंने आपको पूछा है कि DRDO कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1958 में इस्टेब्लिश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है 58, यहाँ लिख देती हूँ 58। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड चेयरमैन है इसके समीर सी कामत। ऑपरेशन अमृत की बात करते हैं हम, तो ये है केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया एंड ये बेसिकली काउंटर करेगा सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। हम काफ़ी बार देखते हैं कि जैसे कोई भी हमें दवाई चाहिए, जैसे सर दर्द की होगी, बुखार की होगी, तो हम डायरेक्ट जाके क्या केमिस्ट से ले लेते हैं। तो वो चीज़ को काउंटर करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करी गई है बाय सॉरी ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है बाय केरला गवर्नमेंट। ठीक है, एंड अगर हम इसकी बात करें अमृत के फॉर्मूले मतलब फुल फॉर्म की, तो ये है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है एंड ये चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एक्सरसाइज सॉरी ऑपरेशन सर्वशक्ति। ठीक है, तो ये है बाय बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा, नहीं केरला कहाँ से आ गया, यहाँ पे JNK होगा, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा। तो टू डील विद टेररिस्ट इन पीर पंजाल एरिया। अब आपको पता होगा ये जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पे हमारी पीर पंजाल की रेंजेस पड़ती है। ये कौन सा माउंटेन रेंज में पड़ती है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। पीर पंजाल इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। ठीक है, तो ये आप मेरे को बताना कौन से माउंटेन रेंज में ये पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन कन्विक्शन, जो कि है टू कॉम्बैट क्रिमिनल्स एंड ऑर्गेनाइज क्राइम इन द स्टेट। कौन से स्टेट में, तो ये यूपी पुलिस के द्वारा स्टार्ट करा गया है। टू बेसिकली स्पीडी ट्रायल स्पेशली इन द केस ऑफ रेप, मर्डर, काउ स्लॉटर, रिलीजियस कन्वर्जन एंड पोस्को। तो इसके अंदर फटाफट कार्रवाई करने के लिए यूपी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन कवच की अगर हम बात करते हैं, तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन क्राइम ब्रांच एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ दिल्ली पुलिस टू एड्रेस द इशू ऑफ ड्रग अब्यूज इन दिल्ली। तो ये बेसिकली दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है एंड ये एक जैसे कि ड्रग अब्यूज को काउंटर करने के लिए ये एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन सजग की अगर हम बात करते हैं, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा स्टार्ट किया गया है टू रेज अवेयरनेस अमंग्स कोस्टल कम्युनिटीज़। ठीक है, ये वाला हटा दीजिएगा। तो कोस्ट गार्ड की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो ये हुई थी 18 अगस्त 1978 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में एंड इसके जो DG है वो कौन है, तो ये है राकेश पाल। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है ऑपरेशन त्रिनेत्र, जो कि एक सर्च एंड कंडोन ऑपरेशन है बाय इंडियन आर्मी एंड पुलिस ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट, आप याद कर लीजिएगा, टू न्यूट्रलाइज हिडन टेररिस्ट इन द बॉर्डर एरियाज। ऑपरेशन त्रिनेत्र टू, ठीक है, पुंछ एरिया में जो भी टेररिस्ट छुपे हुए होते हैं उनको काउंटर करने के लिए, बेसिकली उनको एलिमिनेट करने के लिए इंडियन आर्मी एंड पुलिस ऑफ पुंछ ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ऑपरेशन कुकुम्बर की अगर हम बात करें, तो ये ऑपरेशन है अगेंस्ट द पोचर्स आफ्टर द सस्पिशियस बोर्ड वॉज सीज ऑफ इन द बैरन आइलैंड्स ऑफ बाय इंडियन कोस्ट गार्ड।
तो ये जो पोचर्स होते हैं बेसिकली जो सी में पोचिंग करते हैं उसके लिए ये ऑपरेशन कुकुम्बर स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बेसिकली जो आपने देखा होगा इलीगल मेडिसिंस है, यूएसए का कंप्लेन है कि इंडिया की तरफ से काफ़ी सारे इलीगल मेडिसिंस यूएसए में जा रही है, तो उसको डील करने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड स्टार्ट किया गया है। तो ये जैसे शिपमेंट फ्रॉम इंडिया दैट एंटर्ड यूएसए टारगेट इलीगल मेडिसिन इंक्लूडिंग दोज दैट ट्रीट्स और मिटिगेट सीरियस डिजीजेस, ठीक है। तो इसके लिए था ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ऑपरेशन करोना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें असिस्ट किया गया था म्यांमार को जब वहाँ पे साइक्लोन मोचा ने हिट किया था। तो ये एक रिलीफ ऑपरेशन है एंड इसमें आईएनएस कमोत्रा एंड आईएनएस सावित्री ने पार्ट लिया था। मूविंग फॉरवर्ड ऑपरेशन अमानत की अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि आरपीएफ है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। जो भी पैसेंजर का लॉस्ट मतलब जो सामान अगर गुम हो जाता है उसको रिट्रीवल करने के लिए ये जो ऑपरेशन अमानत है वो स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट एट टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो देखिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी हम पिलग्रिमेज साइट के ऊपर जाते हैं तो हम भले ही भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं लेकिन हम जैसे रास्ते में कुछ भी लेते हैं, बाय चांस अगर हमने पानी की बोतल ले ली या फिर हमने कुछ स्नैक्स के लिए ले लिया, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, लास्ट ईयर में इन्हीं दिनों में उधर गई थी क्या, वैष्णो देवी गई थी। तो लोग अपना तो यात्रा कर रहे हैं पर साथ में जो भी स्नैक्स ले रहे हैं ना रास्ते में चलते चलते वो वहीं गिराए जा रहे हैं। तो मतलब आप कैसे ये कर सकते हो कि आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो साथ में गंदगी भी कर रहे हो। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। ऑपरेशन सद्भावना की बात करते हैं तो बाय इंडियन आर्मी ये स्टार्ट करी गई थी टू एड्रेस एस्पिरेशन ऑफ पीपल इफेक्टेड बाय टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। तो अगर आपको पता होगा यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान से काफ़ी सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एंड लोगों में इंडियन आर्मी के प्रति जागरूकता फैलाना या फिर उनको उनसे ये नहीं करना कि आपको इंडियन आर्मी से डरना नहीं है, ठीक है, यू हैव टू कॉपरेट विद अस सो दैट हम वो चीज़ काउंटर कर सकें। तो इसलिए ऑपरेशन सद्भावना लाइक वी हैव सिंपथी विद यू ये स्टार्ट किया गया था। इसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल टूर, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आना, ये सारा चीज़ इंक्लूड किया था। ऑपरेशन समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो ये जॉइंट ऑपरेशन है बाय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एंड इंडियन नेवी के द्वारा टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडियन ओशियन, ठीक है। ऑपरेशन आग की अगर हम बात करते हैं तो ये केरला पुलिस के द्वारा स्टार्ट करी गई है टू कर्ब एंटी सोशल एक्टिविटीज इन द रीजन। कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज हो रही है उसको कर्ब करने के लिए ऑपरेशन आग का स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड की बात करते हैं तो ये चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ये जैसे ताइवान आपको दिख रहा है इसको इनसर्कल कर लिया था चाइना ने। तो ये था ऑपरेशन ज्वाइंट स्क्वाड स्वॉर्ड। एंड अगर आपको थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड स्वॉर्ड किसका था, तो वो था इंडिया एंड यूएसए का अगेंस्ट द इलीगल मेडिसिन्स दैट हैव एंटर्ड इन टू यूएसए। ऑपरेशन नार्कोस की अगर हम बात करते हैं तो ये आरपीएफ ने स्टार्ट करी है टू कॉम्बैट
द स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स थ्रू रेलवे स्टेशंस। तो जो रेलवेज़ ने भी इस बार काफ़ी सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, जैसे नार्कोस हो गया, अमानत हो गया। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कौन सा किसने लॉन्च किया है। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ ब्रिटिश लेड मिलिट्री ऑपरेशन टू ट्रेन एंड सपोर्ट यूक्रेन मिलिट्री। ये जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तब ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश मतलब मिलिट्री के द्वारा टू ट्रेन यूक्रेन। ओके, ऑपरेशन कावेरी की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस ने कंडक्ट कर मतलब ऑपरेशन किया था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम सूडान। जब सूडान में हालात उतने ठीक नहीं थे तब ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन आहट की अगर हम बात करते हैं तो ये है ऑपरेशन बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। काफ़ी सारे आपने केसेस देखे होंगे जिसमें कि जो रेलवे है उसके द्वारा बच्चों को मतलब ह्यूमन ट्रैफिक किया जाता है, मतलब बेचा खरीदा जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया है बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन क्लीन, जो कि पंजाब पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग एंड मेक पंजाब ड्रग फ्री। तो देखिए अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा बॉर्डर है, मतलब मैप है, मैं ढंग से बनाती हूँ। तो ये है हमारा इंडिया का मैप। एंड यहाँ पे आता है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ ईरान है। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये एक गोल्डन क्रेसेंट बनाता है। क्रेसेंट होता है बेसिकली आधा चांद। तो यहाँ पे काफ़ी सारा ड्रग अब्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये इंडिया में पेनिट्रेट होना चालू होता है। एंड जो पंजाब है इसमें इसका काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिला है। वहीं अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ होता है फॉर्मेशन किसका, ये होता है गोल्डन ट्राइंगल का, जिसमें आता है म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। तो यहाँ से भी आपको क्या ड्रग स्मगलिंग देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आपको रिसेंटली याद होगा तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्री मूवमेंट रिजीम को हटा दिया था एंड यहाँ पे बॉर्डर पर क्या कहते हैं फेंसिंग स्टार्ट कर दी थी। फ्री मूवमेंट रिजीम की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब बात आई गई है, तो ये था कि म्यांमार और इंडिया में लोग 16 किलोमीटर्स बोथ साइड में विदाउट एनीथिंग ट्रैवल कर सकते थे। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड है हमारे पास ऑपरेशन गंगा, जो कि एक इवैक्यूएशन मिशन था फ्रॉम यूक्रेन जब वहाँ पे वॉर शुरू हुई थी बिटवीन यूएसए एंड रशिया, सॉरी यूएसए बोल रही हूँ, यूक्रेन एंड रशिया। वहाँ से इंडियन नेशनल्स एंड स्टूडेंट्स को निकालने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त की बात करती हूँ तो ये NIA के द्वारा स्टार्ट किया गया था टू कर्ब नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट गैंगस्टर एंड ड्रग स्मगलर्स, इनको काउंटर करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। मूविंग फॉरवर्ड ऑपरेशन अजय की बात करते हैं तो ये रेस्क्यू करने के लिए था, फ्रॉम रेस्क्यू ऑपरेशन था फ्रॉम इज़राइल। नेक्स्ट है ओके, तो ये हमारा लास्ट था। एंड अगर आपको ये पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई सजेशन हो या आपका कोई रिक्वेस्ट हो कि आप अगली वीडियो इस पर बनाइए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।